दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। सदगुरु बाबा लाल दयाल आश्रम दिलबाग नगर बस्ती गुजा में श्री वैष्णव विरक्त मंडल पंजाब की ओर से महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 महंत रमेश दास शास्त्री दातारपुर वालों की अध्यक्षता में एवं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत गंगादास महाराज जी के सानिध्य में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में श्री वैष्णव विरक्त मंडल पंजाब के अधीन आते संत समाज ने हिस्सा लिया। बैठक में मंडल के अधीन आते धार्मिक स्थानों, जमीनों और प्रॉपर्टियों के अनाधिकृत को बचाने संबंधी विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही जगत गुरु रामानंदाचार्य की 12 जनवरी को श्री अनंत विभूषित महंत रामदास जी महाराज के सानिध्य में सदगुरु बाबा लालदयाल आश्रम बहरामपुर गुरदासपुर में मनाई जा रही जयंती पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर महामंडलेश्वर 1008 रमेश दास शास्त्री जी महाराज दतारपुर वाले, महामंडलेश्वर 1008 महंत गंगादास महाराज, महंत भगवान दास महाराज, महंत गोमती दास महाराज, महंत रामदास महाराज, महंत पंकज दास, महंत गणेश दास, महंत दमयंती दास, महंत हरिराम शरण, महंत पवन कुमार दास, महंत सुरेश दास, महंत राम कीर्ति दास, महंत बलराम दास, महंत केशव दास, महंत कृष्ण दास, आचार्य बंसी दास, आचार्य पंडित अम्बरीश तिवारी सहित संत समाज मौजूद थे। इस बैठक के दौरान विधायक मनोरंजन कालिया, किशनलाल खांडवाले, रमेश लाल ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। आज हम सभी बाबा लाल दास द्वारा में दरबार नगर में वैष्णव मंडल पंजाब मीटिंग हुई है। जो विरक्त मंडल धार्मिक कार्यों के लिए, जन सहयोग के लिए उस ऐसी मंदिर जिनकी संपत्ति जो है उस समाज के ऐसे लोग जो कि असामाजिक कहे जाते हैं उनके द्वारा मंदिरों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। इस विषय के ऊपर विरक्त मंडल के सभी सदस्यों ने, महानुभावों ने मिलकर के विचार विमर्श किया कि हम सभी एकजुट होकर के मंदिरों की भूमि के इस अधिग्रहण को किस प्रकार से जो हम इसे निभ सकते हैं। उसके साथ साथ ये मंडल अपने धर्म कार्यों के लिए, असहाय लोगों के लिए अपने विशेष रूप से जो कार्य करेगा और करता रहा है। हम सभी व्यक्त मंडल के जितने सदस्य हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी पर्व जो कि हमारी संस्कृति के जो है एक विशेष पहलू हैं, हम उनको भी बड़ी धूमधाम से हम मनाना चाहते हैं। हम पूरे समाज के बीच में सौहार्द में वातावरण हम बना के रखना चाहते हैं, जिससे कि पूरे राष्ट्र को, पूरे समाज को एक ऐसी जो है दिशा निर्देश मिले कि हम अपनी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को जो कि अनादिकाल से चली आ रही है, ये मंदिर उसी की एक बड़ी महत्वपूर्ण जो हैं, जितने भी आश्रम जो हैं बड़ी विशेष भूमिका जो अदा करते हैं। परमानंद कंद सचिदानंद घन श्री सीताराम जी अनादि ब्रह्म की परंपरा से चलते हुए उस परंपरा से अभिगत धारा प्रवाहित होते हुए रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत श्री वैष्णव विरक्त मंडल पंजाब हम सबकी सदस्यों की आज मीटिंग हुई, बैठक हुई, जिसमें आश्रमों के विषय में विभिन्न विषयों पर विचार किया गया। सभी सदस्यों ने मिलकर के ये सहमति प्रदान की कि जिस किसी भी आश्रम को अगर मंडल की आवश्यकता होती है तो हम सभी एकत्रित होकर के मंडल की तरफ से उस आश्रम की व्यवस्था, आश्रम की देखरेख और आश्रम चलने में कोई भी बाधा आती हो तो उस बाधा का निराकरण करेंगे। इसी विषय में एक और भी बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया हमारे संपूर्ण सदस्यों के द्वारा, वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की हमारी परंपरा है, वैष्णवों की परंपरा रही है और इस वर्ष जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की जयंती 12 जनवरी को आ रही है।
तो इस विषय में भी हम सभी को कुछ करना चाहिए। अब आज के निर्णय के निर्णय करने के बाद जो भी निष्कर्ष निकलता है, इस विषय को रखा गया, इस विषय का निराकरण अभी बाकी है। निराकरण करके जो भी निर्णय लिया जाएगा, हम सभी सदस्य उसको स्वीकार करेंगे।